खबर औरैया से सामने आ रही है। सहायक आयुक्त औषधि कानपुर मंडल के निर्देश पर बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर पुलिस ने मारा छापा। छापे के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मरीजों की जान जोखिम में डालकर कर रहा था इलाज। मेडिकल स्टोर पर करीब 28,000 की दवाओं को भी किया जब्त, साथ ही 6 संदिग्ध दवाओं के सैंपल भी भरे। सुप्रिया मेडिकल के संचालक महाराज सिंह के नाम पर कानूनी कार्यवाही करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर के निर्देश पर मेडिकल को भी किया गया सीज। सहायक थाना क्षेत्र का मामला। नाम के द्वारा किन किन मेडिकल स्टोरों पर साइल क्षेत्र में छापेमारी की गई है? आज एक बगियापुर में सुप्रिया मेडिकल स्टोर चल रहा है जो कि विदाउट लाइसेंस है और 3 साल से वो कार्यरत है, इसी तरीके से वो चला रहा है। तो कितने का वहाँ दवाइयाँ, कितने की दवाइयाँ वहाँ पे जो है आपके द्वारा बरामद की गई? 28,089 रुपए की जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ से बरामद की गई। अब इनके ऊपर क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? आगे के लिए अभी इनके जो है वो 6 सैंपल हमने लिए हैं, जिसमें कि 4 जो है वो ड्रग्स हैं, ठीक है। एक जो है बैटनरी का सैंपल है और एक कॉस्मेटिक का सैंपल है। ये सैंपल जो है हमने लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा है, भेजेंगे इसको और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कल जो है CGM सर से हम उसकी परमिशन लेंगे, कस्टडी परमिशन, और उसके बाद जो है इसकी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जो मेडिकल संचालित कर रहे थे उनकी कोई गिरफ्तारी की गई नहीं? की नहीं, गिरफ्तारी नहीं की गई। गिरफ्तारी तो अभी ये ख़त्म हो चुका है गिरफ्तारी का, लेकिन हाँ इनके ऊपर केस होगा और मुकदमा दर्ज होगा।